ये कैसे ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए आज आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर। सो ओवरऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट ओवरहेड नीचे आ चुकी है, स्टॉक स्पेसिफिक कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकती है। सो हेवल्स हमारा पहला तरीका डेली चार्ट के ऊपर पैटर्न ब्रेकआउट डिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो हेवल्स 1310 के आसपास लॉन्ग करके जाएंगे, 1340 का हमारा टारगेट रहेगा और 1290 प्लस हम गेन करेंगे। जो कॉल है मारुति में भी अगर हम देखेंगे चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है 10,500 10,400 को एक मेजर सपोर्ट है और यहाँ से लगता है कि सनसेक के ऊपर भी 11,000 मिल सकते हैं। तो मारुति कम कीजिए 10,400 के स्टॉप लॉस के साथ। सो हैवेल्स और मारुति आज के हमारे ठीक है, ओके। आपके ये दो स्टॉक्स हमारे सामने आ गए, लार्ज कैप ज्यादा दिख रहे हैं आपको एक्सपर्ट्स के रडार पर। वैशाली, आपने कौन से स्टॉक्स पिक किया आज? एक तो ONGC मुझे सही लग रहा है, 202 पे क्लोज हुआ है। सो 193 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा 215। दूसरा है मुझे फेडरल बैंक अभी भी सही लग रहा है बिकॉज आफ्टर अ गुड करेक्टिव मूव ये एक मोमेंटम में आया है। सो 150 के स्टॉप लॉस के साथ 160 162 के ट्रेडिंग टारगेट है। और तीसरा मैं मिड कैप में चूज करूंगी जो कल भी हमने रिकमेंड किया है बट आई स्टिल फील अपसाइड पोटेंशियल काफी है, वो है GSFC। वी सॉ अ गुड रन अप, कल हमने बहुत ही अच्छा एक अपवर्ड मूव देखा। तो थोड़े डिप में जरूर बाय करिए, करंट प्राइस इज 215। तो मेरा मानना है थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, 210 के आसपास खरीदा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 200 फॉर टारगेट 230। ठीक है, GSFC आपने लिया है, केमिकल स्पेस है, 230 तक का टारगेट। उसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स हैं वैशाली का, एक तो GSFC और दूसरा है फेडरल बैंक। बैंक्स में अच्छी तेजी, मिड कैप स्मॉल कैप से बैंक, और किरण ने लार्ज कैप में मारुति सुजुकी लिया है और साथ ही लिया है हेवल्स। हेवल्स का स्टॉक काफ़ी दिनों बाद दिख रहा है, 1310 का 1340 तक का उन्होंने टारगेट दिया है, छोटा ही टारगेट है लेकिन स्टॉप लॉस भी साथ में 1290 का दिया। तो चार कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की आ गई हैं।